हमारे साथ बाबूबरही की विधायक मीना जी हैं और होली देख रहे हैं कि अभी सदन से निकली हैं तो होली गुलाल लगा कर निकली हैं। होली को क्या तैयारी है? होली की जो हमारी परंपरा है, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामना देते हैं। जी जी, थैंक यू। अब होली की तैयारी इतना है कि हम लोग दो ठो हौज को स्थगित करवाए हैं, 7 वाला 10 वाला। हम लोग क्षेत्र जाएंगे, फिर जत में हर तरह की तैयारी होती है। कल पुआ पकवान वाला है जो हम लोगों का अपना परंपरा है मिथिला वाला, तो वो उसके बाद परसों होली है, तो इसी सब के अथी में सब सारा क्षेत्र के लोग सब आएंगे और हम भी जाएंगे मिलने के लिए, तो यही सब होते हैं होली में, और क्या होगा। तो क्षेत्र में इस बार मतलब गुलाल और रंग पूरा उड़ेगा? हाँ बिल्कुल, और क्षेत्रवासियों को शुभकामना देते हैं कि आप लोग अच्छे से होली खेलिए, सब आपस में मिल के रहिए। होली में गाने की काफ़ी धुन होती है, तो आप कुछ गुनगुनाएंगी जनता के लिए? कुछ गुनगुनाइए 2 लाइन। वैसे तो हमको गाना उतना याद नहीं है, लेकिन वैसे पुराना जमाना का गाना सब है, होली खेले अभी रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी ने गाया है इसको, तो काफ़ी मतलब आपके प्रिय है। पुराना ही गाना सब याद है, नया गाना सब हम लोग देखते नहीं है। सब लोग से मिलेंगे जुलेंगे, पुआ पूरी खाएंगे खिलाएंगे, एक अच्छी भावना फैलाएंगे, सभी वर्ग के लोगों से अच्छे से होली खेलेंगे। अच्छे से होली खेलेंगे। मीना जी, आप लोग भी अपने क्षेत्र में होली खेलती हैं? हाँ बिल्कुल, हम क्षेत्र जा रहे हैं, वहाँ से सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना। सारे लोग जितेंद्र जी भाईचारा से क्या कहेंगे होली के मौके पर? गुलाल लगाएंगे, जो खाना खिलाना रहता है वो सब, और जो एक अपना मिथिला परंपरा है अवध का, जो एक रीति रिवाज है, उसमें हम लोग आपस में मिलकर सारा गुलाल लगाएंगे। होली खूब मजे से खेलती हैं मैम, तो आज भी होली खेल रही है आप लोग आपस में, क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी को? समाज को पंच आप मैम क्या होली की तैयारी है? होली की बहुत सारे तैयारी हैं। हाँ हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, सारे लोगों से के सारे द्वेष भावना छोड़ के हम लोग सारे लोग एक होकर हंसी खुशी का पर्व हम लोग मनाएंगे। अब तो आप लोग सरकार में हैं तो ज्यादा खुशी से मतलब होली होगा? जी हाँ, सब लोग मिलकर मनाएंगे। जी यही हम लोग रंग अबीर से हम लोग एक दूसरे को खुशी जाहिर करते हैं, और सभी शिकायत को भूलकर हम लोग रंगों में, अनेक रंगों में हम लोग रंग जाते हैं, और हम लोग के आज से होली की तैयारी है। आज हम लोग की छुट्टी हुई है, हम लोग सभी विधायकगण जो भी दल के हैं हम लोग सभी एक दूसरे के रंग अबीर लगा के हम लोग शुरुआत की है। होली क्षेत्र में होगी? जी होली क्षेत्र में होगा, क्षेत्र में जाएंगे या पटना में मनाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, सभी लोग को क्षेत्र में जाने के लिए छुट्टी मिल गई। हम लोग बहुत खुशी हैं कि हमारे अध्यक्ष विधान अध्यक्ष महोदय हम लोग को छुट्टी दिए, हम लोग बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। होली में कौन सा गीत अच्छा लगता है आपको? वो गीत तो सुनती होंगी, कौन सा गीत अच्छा लगता है? देखिए हम लोग को देखिए जो भी मतलब गीत अच्छे जो हो, जो सभ्य गीत हो वो सब अच्छे लगते हैं। याद होगा कोई तो याद होगा कि तो होली का? नहीं नहीं, होली का गीत देखिए आप लोग तो सभी लोग सुनते रहते हैं, हम लोग अबीर से सबका स्वागत करते हैं और गीत वगैरह चलते रहते हैं। राधा की होली है ना, राधा कृष्ण की एक से एक अभी मतलब होली का गीत है, उसको सुनिए बहुत ही अच्छा लगता है। सर ये बताइए कि होली को लेके मतलब क्या कुछ प्लान किए हैं? प्लान क्या करना है, होली है तो उमंग का त्यौहार है, सब रंग का त्यौहार है, सब लोग खेलते हैं। जी जी जी, तो होली कहाँ, इस बार आप लोग सरकार में हैं तो होली तो और विशेष होगी? विशेष क्या हो जी, होली होली है, होली के हिसाब से होगा। जी हो रही है विधानसभा के अंदर, क्या मैसेज रहेगा होली को लेकर? यहाँ पर यह सीरियस सदन है, यह हुड़दंग वाला सदन होना नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे विपक्षी माननीय सदस्यगण उस सीमा का उल्लंघन कर दे रहे हैं जो जिस सीमा में उन्हें रहना चाहिए, और सदन पूरे देश पूरे राज्य के आवाम का सदन है और उनके हित की बात यहाँ होती है, वो बाधित ना हो ये देखना उनका काम था।
लेकिन उसमें भी हुड़दंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यह कंडेमेबल है। होली सदन के बाहर मनाइए, मजाक सदन के बाहर कीजिए, गरीबों के इश्यूज़ के साथ मजाक सदन के अंदर करना ठीक नहीं। क्या बीजेपी के विधायक ये सब कर रहे हैं अंदर में जो बात आप उठा रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, होलिका दहन कर दें उनका बस चले तो, लेकिन ये सदन है और बिहार की 12 करोड़ जनता का सदन है, यह खेलने कूदने की जगह नहीं है, खेलने कूदने का स्थान सदन के बाहर है। जी, भाजपा के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं आप लोग सदन के अंदर, वो मर्यादित तौर से जो अपनी बात उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठाने नहीं दिया जाता है। सदन के अंदर मर्यादित तौर से उठावे तो उठाने दिया ही जाता है और मर्यादित हो जाते हैं इसलिए उठाने में उनको परेशानी होती है, नियम कायदे का पालन होता है, इसलिए उनका ये ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, आइए। तो ये कौन है?